क्रिकेट का भगवान कोई यूं ही नहीं बन जाता। उसके लिए उसे सालों से मेहनत, त्याग, अनुशासन, दृढ़ता, सहनशीलता जैसे कई कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की, क्रिकेट के प्रति उस जुनून की जिसे जब पूरी दुनिया ने देखा तो दंग रह गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक मैट पर, जिसमें आपको मिलती है क्रिकेट से जुड़ी कुछ रोचक खबरें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 1889 में एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उसी की सरजमी पर जब बैटिंग करने उतरा, तब शुरुआती चार बल्लेबाज पवेलियन में बैठे थे। टीम का स्कोर था 22 पर 4 विकेट। विपक्षी टीम के बॉलर अपनी गेंदों से आग उगल रहे थे। टेस्ट मैच का पांचवा दिन और टूटी पिच में असमतल उछाल था। बॉलिंग कर रहा था वकार यूनिस, अचानक उसकी एक बाउंसर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सचिन के नाक पर लगी और वो नीचे गिर पड़े। उनके नाक से भयंकर खून बहने लगा, कपड़ों से लेकर जमीन तक चारों तरफ खून ही खून दिखने लगा। सामने खड़ा बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू को एक बार लगा कि वो मर गया। फिजियोथेरेपिस्ट भाग कर आया और सचिन को उठाया और कहा, मेरे साथ चलो, रिटायर्ड हर्ट हो जाओ। पर सचिन ने उससे कहा, मैं खेलेगा सर, मैं खेलेगा। ये सुनकर सिद्धू से लेकर पाकिस्तानी प्लेयर तक सब दंग रह गए। नाक पर रुई लगाकर 5 मिनट बाद खेलने उतरा और अगली ही गेंद पर सिद्धू के बगल से चौका मारा और उसी ओवर में 2 चौके और मारे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने उसके विकेट के लिए पूरी जान लगा दी, पर सचिन को आउट ना कर सके। अंत में सचिन शाम तक नॉट आउट रहकर मैच को बचाया। उस दिन पूरी दुनिया ने सचिन के जुनून को देखा और आगे चल सचिन ने वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री ही पलट दी और क्रिकेट के भगवान बन गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।